तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विवेक और आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं Redmi Y3 के बारे में। जी हाँ गाइस, Redmi Y3 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पे मनु कुमार जैन जो कि Redmi के CEO है गाइस, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टीज किया है ट्विटर के ऊपर कि उन्होंने 32 मेगापिक्सल वाले कैमरा से 32 सेल्फीज क्लिक किए हैं। तो गाइस यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हो कि 32 और Y के ऊपर ज़्यादा प्रेस किया जा रहा है। तो गाइस यहाँ पे सीधे सीधे आप लगा सकते हो अंदाजा कि Redmi का Y3 जल्दी हमारे इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जो कि गाइस होने वाला है Redmi Y3 विद 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। गाइस जी हाँ गाइस, इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए गाइस जानते हैं इसी Redmi Y3 के बारे में। और गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, वीडियो के एंड में मैं इसके प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में बताने वाला हूँ। और गाइस यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज में आप सभी के लिए डेली अपलोड करते रहता हूँ। तो गाइस मैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के कैमरास के बारे में। तो आपको यहाँ पर बैक में देखने को मिल जाएगा डुअल कैमरा सेटअप। गाइस इस बार आपको देखने को मिल जाएगा 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा, या फिर गाइस आपको देखने को मिल जाएगा 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा। गाइस यहाँ पे सेल्फी कैमरा तो कन्फर्म्ड है, आपको देखने को मिल जाएगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि रेडमी के फोन में पहली बार होने वाला है। गाइस गाइस बात करें यहाँ पे फोन के डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में, तो आपको इस बार देखने को मिल जाएगा 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी वाला स्क्रीन, जहां पे आपको मिल जाएगी छोटी सी वाटर ड्रॉप नॉच। गाइस बात करें फोन के डिजाइन की, तो आपको देखने को मिल जाएगा ग्लॉसी ग्रेडिएंट वाला फिनिश। गाइस यहां पे ग्लास बैक आएगी कि नहीं ये कंफर्म नहीं है गाइस, लेकिन Redmi Note 7 या Redmi Note 7 Pro जैसा देखने को मिल जाएगा आपको ग्लॉसी ग्रेडिएंट वाला फिनिश। तो गाइस यहां पे बात करते हैं फोन के कुछ और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो आपको यहां पे इसका देखने को मिल जाएगा प्रोसेसर होने वाला है जो कि स्नैपड्रैगन 660, क्योंकि गाइस आपको पता है Redmi Note 7 स्नैपड्रैगन 660 और आता है 10,000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर ही। तो आपको ये Redmi Y3 जो कि बजट सेल्फी फोन होने वाला है, आपको मिल जाएगा 10,000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर ही। तो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा गाइस स्नैपड्रैगन 660। तो गाइस यहां पर बात करते हैं फोन के रैम वेरियंट्स की, तो ये लॉन्च होने वाला 4GB और 3GB वाले रैम वेरियंट्स में, जहां पर आपको मिल जाएगी स्टोरेज 32GB और 64GB तक की स्टोरेज। गाइस बात करें फोन के सॉफ्टवेयर की, तो गाइस ये रन करने वाला एंड्रॉइड पाई के ऊपर, आपको मिल जाएगा MIUI 10 का सपोर्ट। और गाइस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसका बैटरी जो कि होने वाला 4000mAh की, जहां पर क्विक चार्ज 4.0 मिल जाएगा और इस बार टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल सकता है। गाइस तो गाइस बस यही तो कुछ स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया। यहां पे बात करते हैं फोन के प्राइसिंग के बारे में। तो गाइस ये लॉन्च होने वाला जैसा कि मैंने आपको बताया 10,000 रुपए के प्राइस रेंज के अंदर ही, मतलब इसका 3GB और 32GB वाला स्टोरेज वेरिएंट जो होगा 10,000 रुपए के प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस बात करें फोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो गाइस जैसा कि आपको पता है काफी ज्यादा टीज कर रहे हैं मनु कुमार जैन इसी फोन को लेकर। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यही फोन शायद अप्रैल के एंड में या फिर मई के महीने में। तो गाइस बस इस छोटे से वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको Redmi Y3 जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया वीडियो पर लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में आप सभी के लिए डेली अपलोड करते रहता हूं। तो गाइस अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, गुड बाय।